इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको एएमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट कैसे चेक करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर में गूगल खोलना है। सर्च बार में आपको इस वेबसाइट का नाम टाइप करना होगा, सरकारीसंगम.com। ठीक, इस तरह से आप लिखेंगे सरकारीसंगम.com, उसके बाद में सर्च करा देना है। जैसे आप सर्च कराएंगे www.sarkarisangam.com की जो वेबसाइट है कुछ इस तरह से आपके सामने खुल के आ जाएगी। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे नीचे जाएंगे तो यहां पे देख सकते हैं दिया है एमपी पुलिस रिजल्ट 2024, यहां से चेक करें। तो आपको क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने आ जाएगा, जहां पर की वैकेंसी की डिटेल वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहां पे आपको क्या करना है, स्क्रॉल करना है, नीचे जाना है। और जैसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो यहां पे आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा रिजल्ट देखने के लिए। ठीक, तो यहां पे हम नीचे चलते हैं और नीचे जाएंगे तो यहां पे देख सकते हैं दिया है डाउनलोड रिजल्ट। यहां पे लिखा है लिंक एक्टिवेट सून, क्योंकि अभी लिंक आपका एक्टिवेट नहीं हुआ है। और जैसे ही आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके बाद में आपको क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद में कुछ इस तरह से आपके सामने पेज खुल के आ जाएगा। ठीक, तो यहां पे देख सकते हैं सबसे पहले आपसे एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है, तो यहां पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डाल देना है। उसके बाद में यहां पे डेट ऑफ बर्थ में आपको अपनी जन्म तिथि, डेट मंथ ईयर के फॉर्मेट, मान लीजिए आपका जन्म तिथि है 1/1/2004, तो इस तरह से 1/1/2004 आपको लिख देना है यहां पे। ठीक, उसके बाद नीचे देखेंगे तो यहां पे लिखा है फर्स्ट टू लेटर ऑफ मदर नेम प्लस लास्ट फोर डिजिट ऑफ योर आधार नंबर। तो यहां पे अपने मदर नेम का आगे का टू लेटर लिखना है, साथ ही अपने आधार नंबर का जो है लास्ट का चार अंक इस वाले बॉक्स में लिख देना है। ठीक, इतना करने के बाद में यहां पे जो संख्या दी गई है, अगर यहां पे जोड़ने के लिए कहा गया तो उसे जोड़ के आपको इस वाले बॉक्स में लिख देना है। अगर आपको घटाने के लिए कहा गया है तो माइनस करके आपको इस वाले बॉक्स में लिख देना है। इतना करने के बाद में आपको नीचे जो सर्च का ऑप्शन है, सर्च वाले आइकन पे क्लिक करना है, जिसके बाद में आप एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट चेक कर पाएंगे।